कहानी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को बीच पर एंजॉय करता हुआ देखते हैं। वहाँ पर डग नाम का एक लड़का भी अपने पेरेंट्स के साथ हॉलीडे मनाने के लिए आया हुआ था। यहाँ पर हम देखते हैं कि लेक के किनारे बहुत सारी कश्तियाँ खड़ी होती हैं। डग वहाँ जाता है और वहाँ अपने एक दोस्त से मिलता है, जो उसे बताता है कि इस बार यहाँ पर काफी सारी लड़कियाँ आई हुई हैं और वो लोग यहाँ बहुत मजे कर सकते हैं। वो कहता है इस बार गर्मियाँ मजेदार होने वाली हैं। जिसके बाद वो लोग वहाँ के बार में जाते हैं, जहाँ एक आदमी आता है और इंस्ट्रूमेंट के तार निकाल देता है, जिससे म्यूजिक बजाने वाले रुक जाते हैं और लोग नाराज हो जाते हैं। लेकिन जल्द ही वो आदमी म्यूजिक बैंड के साथ गिटार बजाना शुरू कर देता है। डग का दोस्त उसे एक अपरॉन पिलाता है और कहता है कि अब गर्मियां शुरू हो चुकी हैं। जिसके बाद डग अपने घर आता है और आवाज देकर कहता है कि वो अब घर आ गया है, लेकिन उसे पता चलता है कि घर पर कोई भी नहीं है। वो अपने कमरे में जाता है और कुछ तस्वीरें देखता है। जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो उसे एक कपल दिखाई देता है जो कि वहां आए हुए होते हैं। इनका नाम इलेट और लीना है। डग लीना को देख रहा होता है, जो कि बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन जल्द ही लीना अपने घर में चली जाती है। डग फिर भी लीना को देखने की कोशिश करता है और जैसे ही लीना उसकी तरफ देखती है वो डर जाता है और खिड़की से हट जाता है। अब डग उसे देखने के लिए अपनी साइकिल लेता है और जानबूझकर उसे ठीक करना शुरू कर देता है और लीना को झुककर अपने जूते से धूल निकालते हुए देखता है। इसके बाद डग अपने दोस्त के पास जाता है और वो फिर से लड़कियों के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। वो इसके बाद वो एक चटाई लेकर एक पुरानी कश्ती के अंदर जाते हैं, जिसकी दूसरी तरफ से उन्हें किसी के हंसने की आवाज आती है। इसके बाद डग घर वापस आता है तो वो देखता है कि वहां पर नए पड़ोसी आए हुए हैं। डग के पिता उसे नए पड़ोसियों से मिलने जुलने के लिए बुलाते हैं, जो कि एलियट और लीना ही होते हैं। डग उनसे मिलने जाता है तो जहां पर एलियट उस डग से बात करता है। एलियट कहता है कि डग के पिता ने मुझे बताया है कि तुम नाव के बारे में बहुत कुछ जानते हो। वो डग को अपनी नाव में काम करने के लिए भी कहता है और वो इसे इसके लिए हायर भी कर लेंगे, जहाँ उसे घास काटने के काम से ज्यादा पैसा मिलेगा। अगले दिन डग एलियट की नाव पर जाता है। वहाँ वो लीना को स्विमिंग करके बाहर आते हुए देखता है। इसके बाद लीना नहाने के लिए जाती है और डग उसे देख रहा होता है। लीना फिर अपने कपड़े उतारती है तो डग उसे तब भी देख रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एलियट आ जाता है और पूछता है कि नाव कैसी है। वो कहता है कि नाव को कुछ कॉस्मेटिक्स नुकसान हुआ है। एलियट कहता है कि वो कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा है और उसके बाद वो लोग डग की पेमेंट की बात करते हैं, जिस पर डग कहता है कि वो इस काम के लिए $12 लेगा, लेकिन एलियट कहता है कि वो इसे $20 देगा। इसके बाद रात को डग फिर से अपने पड़ोसी के घर की तरफ देखता है और लीना अपने कमरे में कपड़े बदल रही होती है, लेकिन तभी वहाँ एलियट आ जाता है, जो कि लीना के साथ जबरदस्ती करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर डग अपना मुंह मोड़ लेता है। अगले दिन एलियट अपनी कार लेकर वहां से गुजर रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर एक गार्ड आ जाता है और कहता है कि उसने उसका आईडी कार्ड देखना है। एलियट अपना उसे अपना आईडी कार्ड दिखाता है तो तभी वहां पर डग आ जाता है और कहता है कि ये गार्ड थोड़ा कड़क है। उसके बाद हम डग और एलियट को नाव पर देखते हैं। डग एलियट से पूछता है कि उसने इतनी शोहरत कहाँ से हासिल की, जिस पर एलियट कहता है कि ये सब पैसे और पर्सनैलिटी का कमाल है। उसके बाद सीन तब्दील होता है तो डग अपने कमरे की खिड़की से लीना को कहीं बाहर जाते हुए देखता है। थोड़ी देर बाद उसे लीना के चिल्लाने की आवाज आती है और वो भागता हुआ उसके पास जाता है। वो देखता है कि लीना एक कार के बाहर डरी हुई खड़ी है और वो एक मकड़ी से डरी हुई थी, जिसे डग कार से बाहर निकाल लेता है और उसे कुचलकर मार देता है और फिर वो कार को ठीक करता है। और इसी दौरान लीना उसके काफी करीब आ चुकी थी, जिससे वो घबरा भी जाता है। डग इसके बारे में अपने दोस्त को बताता है तो उसका दोस्त उसे एलियट से बचकर रहने का कहता है, क्योंकि उसे खतरनाक लगता है। जब डग अपने काम से घर वापस आता है तो उसे लीना घर के बाहर बैठी हुई दिखाई देती है। वो लीना के पास जाता है और लीना उसे बताती है कि उसके घर की चाबी खो गई है और वो घर के बाहर रह गई है और घर के अंदर जाने के लिए उसे डग की मदद चाहिए। वो डग को कहती है कि वो इस बारे में किसी को ना बताए, क्योंकि उसके पति ने उसे अपना ध्यान रखने को कहा है। तभी अचानक से बारिश आना शुरू हो जाती है तो लीना डग को कहती है कि पत्थर से खिड़की को तोड़ो और अंदर चलो, ताकि वो अंदर जाकर दरवाजा खोल सके। और डग उसकी बात मानकर अंदर चला जाता है और किसी तरीके से वो दरवाजा खोल देता है। इसके बाद लीना उसे इन्वाइट करती है और उसके साथ ड्रिंक करने का कहती है। वो लोग बातें करने लग जाते हैं और वो कहती है कि डग को चोट लग गई है। लीना उसकी चोट को साफ करने लग जाती है और बहकी हुई आवाज में कहती है और कहती है कि वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद डग उसको किस कर देता है और बाद में उससे माफी मांगता है, लेकिन लीना को इससे कोई परेशानी नहीं होती है। वो फिर से डग को किस करने का कहती है। वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और फिर लीना अपने कपड़े उतारने शुरू कर देती है और फिर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन वो पलंग पर एक साथ उठते हैं। लीना कहती है कि डग रिलेशनशिप बनाने में बहुत अच्छा था। वो कहती है कि या तुम पहले भी किसी लड़की के साथ रह चुके हो। तब डग मजाक में कहता है कि उसने तीसरी बार किसी के साथ रिलेशन बनाया है। फिर कुछ टाइम के बाद डग अपने घर जाता है। वो मुस्कुरा रहा होता है और लीना के साथ गुजारे हुए पल को याद करके खुश हो रहा होता है। जिसके बाद वो अपने दोस्त के पास जाता है, जिसके बाद उसका दोस्त कुछ लड़कियों की तरफ इशारा करता है और कहता है कि वो उनके साथ रिलेशन बना सकता है, लेकिन डग उसकी बात को अनसुना कर देता है। इसके बाद कुछ दिन डग लगातार लीना के ऊपर नजरें बनाए रखता है और उसके लिए वर्कआउट करना शुरू कर देता है। एक दिन वो नाव पर काम कर रहा होता है तो तभी वहां पर लीना आ जाती है और कहती है कि एलियट ने उसे डग के काम को देखने के लिए भेजा है। वो लोग नाव के अंदर जाते हैं तो लीना उसे पर्दे गिराने का कह देती है। डग पर्दा लगा देता है तो लीना उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है और अपने कपड़े निकालने लगती है। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिजिकल हो जाते हैं। उस रात डग बार में काम कर रहा होता है, तभी वहां लीना अपने पति के साथ आ जाती है। वो डग उसे देखता है तो उसका दोस्त उसके पीछे आके खड़ा हो जाता है और उसे कुछ लड़कियां दिखाता है और उन्हें देखते हुए कहता है कि उसे ऐसा लग रहा है कि आज रात कुछ अच्छा होने वाला है। अगले दिन डग अपनी साइकिल पर कहीं जा
रहा था। तभी वो देखता है कि एलियट एक दुकान पर रुका हुआ है, तो वो भी रुक जाता है और उस दुकान के अंदर जाता है। इसके बाद वो और लीना दुकान के पिछले दरवाजे से बाहर जाते हैं और किस करने लग जाते हैं और फिर वहीं सेक्स करते हैं। लेकिन तभी एलियट लीना को ढूंढते हुए उस तरफ आ रहा होता। उसे आता देखकर लीना और डग रुक जाते हैं और लीना उसे किस करके वहां से वापस चली जाती। कुछ देर बाद एलियट उस नाव को देखता है जिस पर डग काम कर रहा था, लेकिन वो कहता है कि वो ठीक से काम नहीं कर रहा। इसके बाद वो डग को देखते हुए लेक्चर देना शुरू कर देता है। फिर वो कहता है कि वो कुछ दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा है। डग इसी बात का फायदा उठाने के लिए लीना के पास मिलने के लिए चला जाता है और फिर वो लीना के साथ बेड पर पिकनिक मनाता है, जहां पर वो कुछ इंटीमेट बातें भी करते हैं। जिसके बाद लीना उसे एक फोन देती है और कहती है कि एलियट एक बहुत खतरनाक और गुस्से वाला इंसान है, इसलिए ये फोन बात करने में उनकी मदद करेगा। इसके बाद डग भागता हुआ किचन में जाता है और लीना भी उसके पीछे आ जाती है, लेकिन खिड़की के बाहर से उनका माली उन्हें देख लेता है। कुछ देर के बाद डग नाव की तरफ जाता है तो वो देखता है कि एलियट नाव के ऊपर खड़ा है। वो डरते डरते नाव की तरफ जाता है तो लीना को एलियट के साथ देखता है। एलियट डग को कहता है कि नाव को खोलो और पानी में उतारो, ताकि वो ये पता कर सके कि नाव समुद्र में चलने के लायक है या नहीं। नाव की सवारी करते हुए एलियट एक बीम से टकराने लगता है, लेकिन वो किसी तरह झुककर अपने आप को उधर से बचा लेता है। यहाँ एलियट डग से पूछता है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, तो डग कहता है कि हाँ उसकी एक गर्लफ्रेंड है। फिर अचानक नाव का इंजन बंद हो जाता है और एलियट उसे चेक करने जाता है, जिसके बाद लीना थोड़ा समय लेकर डग को बताती है कि वो एलियट से तलाक लेने के बारे में सोच रही है। तभी एलियट वहां आ जाता है और डग को नाव सही करने के बारे में कहता है। वो फिर अगली रात लीना डग को कॉल करती है और वो रो रही होती है और वो ये फिर बताती है कि उसको एलियट ने बहुत मारा, अब वो बिजनेस के सिलसिले में बाहर गया हुआ है। इसके बाद डग तुरंत हॉस्पिटल जाता है और उसे कहता है कि उसे पुलिस को सब कुछ बता देना चाहिए, लेकिन लीना उसे रोक देती है और वो लोग घर चले जाते हैं। इसके बाद अगले दिन डग काम कर रहा होता है और तभी उसको लीना का कॉल आ जाता है, जो कि लेक के किनारे पर धूप सेक रही थी। वो डग को अपने पास बुलाती है और फिर एक पुराने नाव में सेक्स करते हैं। लीना उसको कहती है कि वो उसके साथ आजाद महसूस करती है। वो उसे एलियट और उसकी पहली वाली बीवी के बारे में भी बताती है और कहती है कि वो लोग अभी भी कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए हैं। इसके बाद डग का दोस्त डग की हरकतों के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है और कहता है कि उसने उसके लिए एक लड़की को देखा, लेकिन डग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। उसके बाद वो घर वापस आ जाता है और देखता है कि एलियट वापस आ गया है। तभी अचानक उसे लीना की कॉल आती है और वो फौरन से अपने कमरे में जाता है और लीना से बात करता है, जो कि उसके पीछे खड़ी होती है। वो फौरन उसको अपने साथ चलने का कहती है क्योंकि उसे डग की जरूरत होती है। इसके बाद डग फौरन से उसके घर पे जाता है, जहां उसको पता चलता है कि लीना और एलियट के बीच लड़ाई हो गई थी और लीना ने अपने आप को बचाने के लिए एलियट के सर पर वार कर दिया और जिसकी वजह से एलियट की मौत हो गई। उसके बाद डग को वो उसकी मदद करने के लिए कहती है क्योंकि वो किसी परेशानी में नहीं पड़ना चाहती थी। वो पूछती है कि इसमें डग मेरी क्या हेल्प कर सकता है। डग कहता है कि हम लोग कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे और कहता है कि हमें पहले जैसा ही नॉर्मल बर्ताव रखना होगा। उसके बाद वो बाहर में काम करने जाता है और जब वापस आता है तो देखता है कि लीना उसके माता पिता के साथ बैठी हुई है। फिर डग अपने कमरे में चला जाता है। फिर उस रात लीना से मिलने के लिए डग उसके घर जाता है, जिस पर लीना उससे माफी मांगती है और कहती है कि मैं घर पर नहीं रह सकती थी, इसलिए मैं तुम्हारे माता पिता से मिलने के लिए वहां चली गई थी। डग कहता है कि वो लोग इस वारदात को एक्सीडेंट बना सकते हैं, लेकिन लीना कहती है कि ये बहाना काम नहीं करेगा। इसलिए डग फिर एक नया प्लान बनाता है और लीना को कहता है कि जब पुलिस उससे पूछे तो वो ये कहे कि उसके और एलियट के बीच लड़ाई हुई थी और उसके बाद एलियट चला गया था। ये कहने के बाद डग एलियट की बॉडी को लेकर उसकी बोट में चला जाता है। इससे पहले कि वो बोट में वहां से निकल पाता, वो गार्ड उसे देख लेता है और उसे मिस्टर हार्बर कहकर आवाज देता है। डग एलियट की तरह ही वहां पर एक्टिंग करता है और वहां से बोट लेकर चला जाता है। अब अगली सुबह पुलिस की कार्रवाई चालू हो जाती और उन्हें ये सब एक्सीडेंट लगता है, जिसके बाद पुलिस लीना के घर में पूछताछ करने आती। डग देखता है कि लीना पुलिस वालों से बात कर रही है। डग ने उस रात एलियट के सर पे बीम से वार किया था और फिर शराब और सिगरेट की मदद से बोट को आग लगा दी थी, जिससे ही एक्सीडेंट नजर आ रहा था। डग अपनी आम जिंदगी गुजारना शुरू कर देता है और बार में काम करना शुरू कर देता है। फिर वो कुछ पुलिस वालों को ड्रिंक पिला रहा होता है और वो उसी वाक्य के बारे में बात कर रहे होते हैं। इसके बाद एक औरत को ड्राइविंग करते हुए दिखाया जाता है, जो कि शहर में आ रही होती है। वो औरत पुलिस से मिलने जाती है। वो पुलिस को कहती है कि एलन ट्रस्ट इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रही है, क्योंकि एलियट के पास लाइफ इंश्योरेंस है और उसकी कीमत बहुत बड़ी है और ये पैसा लीना को मिलने वाला है, इसलिए इस मामले से जुड़े हर पहलू की जाँच की जा रही होती है। वारदात में क्या हुआ ये जानने के लिए वो औरत लीना को अपने पास बुलाती है और पूछती है कि क्या उसका किसी के साथ कोई चक्कर चल रहा है। तो लीना कहती है कि उसका किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है। लीना उस औरत के सवालों से परेशान हो जाती है और फिर वहां से चली जाती है और पुलिस भी अपनी जांच पड़ताल जारी रखती है और उस गार्ड से पूछताछ करती है जिसने रात को डग को देखा था। इसके बाद पुलिस डग के पिता से बात करती। डग फिर गार्ड से पूछता है कि उसे किस बात को लेकर शक है, तो गार्ड बताता है कि रात को उसने जिसे देखा वो एलियट की जगह कोई और हो सकता है। इसके बाद इंश्योरेंस एजेंट लीना के घर जाती और वारदात की जगह को चेक करती ताकि उसे कुछ सबूत मिल सके। उसको वो टूटी हुई खिड़की मिलती है जिसको लीना के लिए डग ने तोड़ा था। उसके बाद वो एजेंट डग के घर जाती
है और उसके माता पिता से उस दिन के बारे में पूछती है। जब लीना उनसे मिलने के लिए आई थी, डग के माता पिता बताते हैं कि लीना डग से मिलने के लिए आई थी। डग ये सब सुन रहा होता है और घबरा जाता है। वो लीना को कॉल लगाता है, लेकिन अपने माता पिता को कार में आता देखकर वो फौरन से कॉल काट देता है। इसके बाद वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहाँ एजेंट उससे कुछ सवाल पूछती है और उसके मुंह से सच उगलवाने की कोशिश करती है। लेकिन डग की माँ एजेंट को कहती है कि वो इस मामले में डग को नहीं फंसने देगी। इसके बाद डग को लीना का मैसेज आता है और वो कहती है कि वो उससे पुरानी नाव में मिलना चाहती है। डग वहाँ जाता है तो लीना उसे कहती है कि उन्हें कुछ दिनों के लिए एक दूसरे से दूर रहना होगा, और ये कहने के बाद वो चली जाती है। डग वापस अपने घर आता है तो देखता है कि एजेंट की टीम वहाँ आई हुई है। एजेंट उसे कहती है कि उसे डग की उंगलियों के निशान और मुंह की लुआब चाहिए। वो डग को पुलिस कार में बिठाते हैं और फिर एजेंट उससे दोबारा से पूछताछ शुरू कर देती है, लेकिन डग उसे कुछ भी नहीं बताता। डग इस पूरे मामले के बारे में अपने दोस्त और माता पिता को बताता है। इस बीच पुलिस को ब्लड सैंपल का मैच मिल जाता है जो कि एजेंट ने उन्हें दिया था। डग अपनी बेगुनाही साबित करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसकी कोशिश नाकामयाब हो जाती है, जो कि लीना कर रही होती है, यानी कि जिस माली ने लीना और डग को एक साथ देखा। पुलिस के उस तक पहुंचने से पहले ही उसे मार दिया जाता है। डग किसी तरह अपनी साइकिल लेकर वहां से भाग जाता है और घाट पर जाता है, जहां उसे लीना मिलती है। जैसे ही डग वहां जाता है, लीना अपने कपड़े फाड़ देती है और मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर देती है, और ऐसा दिखाने की कोशिश करती है जैसे डग उसका रेप कर रहा है। पुलिस वहां आ जाती है और डग को गिरफ्तार कर लेती है। डग पुलिस को कहता है कि वो लोग उसे जानते और वो अपने ऊपर लगे इल्जाम को हटाने के लिए कुछ करना चाहता है। एक पुलिस ऑफिसर उसे जाने देता है। डग वहां से लीना के मोटल में उसका सेल लेने के लिए जाता है, लेकिन जैसे उसे सेल फोन मिलता है वैसे ही लीना वहां पर पहुंच जाती है और साथ ही एजेंट भी आ जाती है। डग एजेंट से कहता है कि उस फोन में उसकी बेगुनाही का सबूत है। इसके बाद वो दोनों औरतें घर से बाहर जा रही होती, तभी डग की नजर एजेंट के पैरों पर पड़ती है। वहां वैसा ही टैटू था जैसा लीना के पैरों पर था, जिससे डग को पता चलता है कि एजेंट ही लीना की प्रेमिका है और वो शुरुआत से ही लीना का साथ दे रही है। उसे सारी बातें याद आने लग जाती हैं और उसे समझ आ जाता है कि वो इस बड़े खेल का एक मोहरा था। यहाँ पहले ऐसा लगता है कि लीना डग को छोड़कर चली जाएगी, लेकिन लीना प्यार की खातिर डग के लिए वो सेलफोन छोड़ने का फैसला करती है जिसमें उसकी बेगुनाही का सबूत है। जिसके बाद ये दोनों औरतें एलियट के इंश्योरेंस का पैसा लेकर वहां से निकल जाती हैं, और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।